भाई लोग क्या हालचाल एंड वेलकम टू माय चैनल। फाइनली आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें रावण का ओरिजिनल चेहरा नहीं दिखाया गया। मतलब इतना तो कंफर्म है मेकर्स हम सबको सरप्राइज देना चाहते हैं जिसे देख के हम जहन्नुम पहुंच जाएंगे, मतलब स्वर्ग पहुंच जाएंगे। आदि पुरुष की तरफ से हमें मल्टीपल टीजर, मल्टीपल ट्रेलर और मल्टीपल सॉन्ग देखने को मिले हैं। बस मैं इतना दुआ करता हूं कि सॉन्ग को मूवी के बीच ना घुसेड़े, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट यू, बिकॉज VFX कितना अच्छा है वो तो हम सबको पता ही है। एक चीज सिर्फ देखने लायक है वो है स्टोरी, तो उसके साथ अपन को अभी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इस ट्रेलर में हमें कुछ न्यू क्लिप्स और न्यू डायलॉग्स भी देखने सुनने को मिले हैं जिसे सुन के आप पागल हो जाओगे। यहाँ पे एक डायलॉग है जब प्रभास बोलते हैं भारत के किसी बेटी के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आगे बहुत लंबा डायलॉग है, मतलब इन्होंने हिस्टोरिकल चीजों पे भी रिसर्च नहीं किया है। मैं आपको बता दूं हमारे देश का नाम भारत के पहले अजमन खंड था, उसके पहले कुछ और था जिसके बारे में भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन त्रेता युग में भारत ये नामक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता था क्योंकि भारत का नाम दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के नाम पे पड़ा था जो एक द्वापर युग में पैदा हुए थे और ये एंसेस्टर थे किसके, पांडव और कौरव के। भरत गाइस एक चक्रवर्ती सम्राट थे जो कि भाई साहब खतरनाक राजा हुए थे और उनके कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ा। विजुअल VFX काफी बोरिंग लेवल की फील दे रही है, कहीं से भी अच्छा प्रतीत नहीं होता है। जो मजा आना चाहिए वो मजा भाई साहब यहाँ पे कतई नहीं आ रहा। न्यू क्लिप्स में हमें माँ सीता का अपहरण दिखाया जाता है, साथ ही जटायु का कटा हुआ पंख, लंका के कुछ क्लिप्स, राम जी के ऊपर सस्ता VFX। मुझे एक चीज नहीं समझ आ रहा है, कहीं VFX अच्छा तो कहीं खराब क्यों। वानर सेना का उथल पुथल भी हमें देखने को मिलता है जो रावण का वाट लगाते हुए नजर आते हैं। ऑल ओवर ट्रेलर एवरेज लेवल की वाइब देते हुए नजर आती है जिसे देख के हमें भाई सब सोचना पड़ता है कि ये मूवी हम देखने जाए या ना जाए। कुछ कुछ सीन देख के आपको रोना आ जाएगा, इतना बकवास VFX की मैं क्या ही बोलूं। गाइज लंका का व्यू देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये भाई मॉडर्न टाइम टेक्नोलॉजी वाला लंका तो नहीं है, और एग्रेसिव डायलॉग इतना ज्यादा ऑकवर्ड लगता है सुनने, भाई साहब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सो गाइज ये मूवी अगले हफ्ते थिएटर में रिलीज होने वाली है, तो आप ये मूवी देखने जा रहे हो कि नहीं वो नीचे कमेंट करना ना भूले। होप गाइज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।